ये ग्री का आउटडोर यूनिट का पीसीबी है। तो ऐसा हो रहा है कि जब इंडोर यूनिट को इलेक्ट्रिक दी जाती है तो इंडोर यूनिट के डिस्प्ले के ऊपर E6 का एरर जो है वो आ रहा है। मैंने कस्टमर से बोला कि आप इस तरह करें कि इसकी वायर वगैरह को चेक कर लें, इलेक्ट्रिक को चेक कर लें, अगर सब कुछ प्रॉपर है फिर इसके आउटडोर पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो SMPS के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, इसके ऊपर काम हुआ है। ये पॉइंट जो है वो आपस में सोल्डर किया गया है। अगर मैं इसको आपको दूसरी साइड से दिखाऊं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवर टेम्परेचर कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो कंप्रेसर के ऊपर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, अगर कंप्रेसर किसी वजह से बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है तो ये थर्मोस्टेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब चूंकि ये पीसीबी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक नहीं देंगे। हम क्या करेंगे कि इसकी जो हाई साइड है इसको हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब भी ज्यादातर प्रॉब्लम आती है तो अगर हाई साइड में प्रॉब्लम है तो फिर ये पीसीबी बिल्कुल डेड जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए ये साइड, हाई साइड, जितनी भी इसकी फिल्टर से लेकर और इसके IPM तक जो है वो हमने इसको टेस्ट करना है। IPM को टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर जो IPM की पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर पॉजिटिव प्रोब को रख लेते हैं और जो नेगेटिव प्रोब है उसके ऊपर हम नेगेटिव प्रोब को रखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो शो होगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ चांस मौजूद है कि ये IPM जो है वो ठीक हो सकता है। अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो W, V और U है उसके ऊपर भी चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमें फिर किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये जो देखें प्रोब को हम चेंज कर लेंगे। अब जो है वो पॉजिटिव पॉइंट पे नेगेटिव प्रोब आएगी और नेगेटिव पॉइंट पे जो है वो पॉजिटिव प्रोब को हम रखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप शो होगा। तो ये देखें 0.380, तो ये वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो IPM है हमारा खराब हो भी सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या करेंगे कि जो नेगेटिव प्रोब है इसको आगे लेके जाएंगे U के ऊपर, तो 0.433 हमें वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। अब V के ऊपर तो सेम ही शो हो रहा है और अब W के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हमारा पॉइंट सेम ही है। इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि ये IPM ठीक हो सकता है। अब इसके बाद हम डायोड को टेस्ट करेंगे। ये जो डायोड है इसके जो आउटसाइड के दोनों पॉइंट हैं ये यहाँ पर एनोड है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर के साथ। मीटर हमें इसके जो दोनों पॉइंट है उनकी वैल्यू सिफर शो करता है, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये कैथोड होता है, तो इसके ऊपर हम ब्लैक प्रोब को रख लेते हैं और साइड पे किसी भी एक पॉइंट पे जो है वो हम रेड प्रोब को। तो ये देखें हमें इसने वोल्टेज ड्रॉप शो किया 0.381, तो इसका मतलब है कि ये डायोड ठीक हो सकती है, ये बिल्कुल बल्कि ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके इस IGBT को चेक करेंगे और इस IGBT को देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोब किसी भी पॉइंट पे लगा देते हैं दो पॉइंट्स पे, तो ये देखें यहाँ पर 0.024 जो है वोल्टेज ड्रॉप शो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किट हैं। तो सेंटर में लगाया तो ये देखें यहाँ पर भी हमें जीरो ही शो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये IGBT जो है वो शॉर्ट सर्किट है, इसमें कोई चांस नहीं है कि ये ठीक हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये इसके साथ लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर अगर ये भी किसी वजह से शॉर्ट है तो इसके IGBT के शॉर्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये इसका ये वाली साइड इसकी नेगेटिव साइड है और ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव साइड है, देखें कट वाली साइड। तो हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव को रखेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव को। तो यहाँ पे देखें हमें किसी किस्म का कोई वोल्टेज ड्रॉप शो नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसकी ये प्रोब को हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद जो है वो नेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव पे नेगेटिव आ जाएगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 0.876 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। अब नेक्स्ट को देख लेंगे तो 0.480, नेक्स्ट को भी देख लेंगे 0.484। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इस वक्त हमें मिल गई है और ये जो इसका IGBT है ये शॉर्ट सर्किट है। और इसी तरह से इसमें IGBT चेंज करने से पहले इसका ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है तो ये भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये SMPS के लिए होता है। अगर ये भी प्रॉब्लम करेगा तो फिर भी मसला हो सकता है। और इसको हम मल्टीमीटर को ले जाएंगे डायोड मोड पे, तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक हैं और ये एक साइड ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव प्रोब को रखेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव को, तो कुछ भी नहीं है। अब हम प्रोब को चेंज कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर इस वक्त वोल्टेज ड्रॉप 0.524 आ रहा है। इस तरह हम चेंज करते जाएंगे सबके साथ। तो ये देखें जी, इसका मतलब है कि ये ठीक है, इसमें चांस ये है कि ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो ओके है। इसके अलावा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है इस वक्त अपनी जगह से मूव कर गया हुआ है, इसका कनेक्शन दूसरे साइड के साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो इसको भी हम करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये बात
साथ बहुत ज्यादा गौर तलब है कि ऐसा जब भी हो जाए कि एक पीसीबी आपके पास ठीक होने के लिए आया है लेकिन आपसे पहले उस पर किसी और ने भी ट्राई की है, तो हमेशा ये याद रखें कि उसमें कोई ना कोई अगर उसने फॉल्ट कर दिया है या उसमें से कोई कंपोनेंट बाहर निकाल दिया है तो उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके इस आईजीबीटी को हम यहाँ से आउट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डरिंग नहीं डाल देंगे, देखें सोल्डरिंग नहीं ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, हम जल्दी से इसको आउट कर सकते हैं, तो इसको हम आउट कर देते हैं। हम देखें ले जी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इसका ये आईजीबीटी नंबर है GT30J122, ये मेरे पास दूसरा आईजीबीटी है। लेकिन इससे पहले कि इसको इंस्टॉल किया जाए, यहाँ पर ये देखें ये एक डायोड लगी हुई है, इसको हम टेस्ट कर लेंगे कि ये कहीं शॉर्ट सर्किट तो ना हो, क्योंकि अगर ये शॉर्ट सर्किट होगी तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी शॉर्ट सर्किट शो कर रही है, 0.011 आ रहा है। इसके अलावा हम कंटिन्यूटी मोड पे ले चले जाएंगे, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कैपेसिटर्स को, तो इनमें भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। इसी तरह से अब हम रेजिस्टेंस मोड में चले जाएंगे, तो रेजिस्टेंस मोड में जो है वो हमने यहाँ पे लगी हुई ये देखें 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो ये ओपन या शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। 9.9 किलो ओम शो कर रही है और ये तो ये 10 ओम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डायोड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट शो कर रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है इसका वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। इस आईजीबीटी की जो है वो हम दोबारा से टेस्टिंग करेंगे कि हो सकता है ये ठीक हो, एक दफा फिर से हम इनको देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल जी सिफर शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। अब इसकी इस डायोड को भी हम यहाँ से आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको गर्म कर लेते हैं और निकाल लेते हैं, तो ये मैंने आउट कर दिया इसको। अब इस डायोड को मैंने यहाँ से सिस्टम से बाहर निकाला है, लेकिन इस डायोड को भी दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये ख़राब है कि नहीं। तो देखें यहाँ पर ये इसकी एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है, तो पहले तो हम रिवर्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट जो है वो नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि पोलैरिटी को चेंज करेंगे, पॉजिटिव प्रोब को एनोड पे लगा देंगे और नेगेटिव प्रोब को जो है वो कैथोड पे लगा देंगे। 0.585 वोल्ट ड्रॉप शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड है ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर ये लगी हुई डायोड 902 जब ये सिस्टम के अंदर लगेगी तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट शो करेगी, लेकिन नॉर्मली ये ठीक होगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए कि ये डायोड ख़राब तो नहीं हो गई, ये चेक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट चेक कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट ही आपको शो करेगा, तो फिर यहाँ पे गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो डायोड है इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है सिस्टम से निकाल के, अदरवाइज धोखा रहेगा और जो है वो बार बार आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि आईजीबीटी जो है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और डिस्चार्ज ना होने की वजह से जो है वो आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। अब ये जो डायोड है ये सिस्टम के अंदर फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट क्यों शो करती है, तो इसकी वजह है ये 10 ओम्स की लगी हुई यहाँ पे R901 रेजिस्टेंस। अगर ये इसके साथ पैरेलल में होगी तो ये शॉर्ट सर्किट सिस्टम के अंदर शो करेगी करेगी, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि डायोड को सिस्टम से निकाल लें और इसको इस तरह से टेस्ट कर लें। अब जो नया आईजीबीटी है तो फिट कर देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे बैठ गया जी। आईजीबीटी को जो है वो हम सोल्डर करेंगे, लेकिन सोल्डरिंग से पहले जो है वो हम इसको इसके हीट सिंक के ऊपर जो है वो बिठा देंगे, क्योंकि हीट सिंक के ऊपर नहीं बिठाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि हमारा लेवल जो है ना वो प्रॉपर ना बने। ये इसी तरह से इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं, आईजीबीटी को भी हम कवर कर लेंगे। इनकी जो पिने हैं इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि आईजीबीटी जो है वो प्रॉपरली जो है वो अपनी जगह बना ले, जो हीट सिंक और पीसीबी है वो प्रॉपरली अपनी जगह पकड़ ले। अब इस आईजीबीटी को हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, सोल्डर हो गया जी, ये भी हो गया। अब इसी तरह से इसकी डायोड को भी वापस हम इंस्टॉल कर देंगे, ये डायोड भी मैंने वापस लगा दी जी। अब दोबारा से डायोड मोड पे हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी पोजीशन जो है वो ठीक हुई है कि नहीं, और ये देखें यहाँ पे अब जो है आपको वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नजर आ रहा होगा 0.535, तो ये देखें वोल्टेज ड्रॉप बना और ये खत्म हो गया। इसका मतलब है कि हमारा आईजीबीटी जो है वो प्रॉपर हो चुका है, और ये देखें डायोड पे ये जो पोजीशन है इसकी ये सिफर ही शो होगी, देखें ये सिफर ही होगी। लेकिन एक दफा डायोड को निकाल के चेक करना बहुत जरूरी है। अब ये कैपेसिटर जो है यहाँ से जो है वो खराब हो चुका है, तो इसको हम अपनी इसकी पोजीशन पे करेक्ट कर देंगे, देखें थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे, इस साइड से भी थोड़ा सा इसको कर देंगे, अगर क्रैकनेस होगी तो ठीक हो जाएगी। अब ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर मैंने जो क्या किया कि जो मल्टीमीटर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और जो प्रोब्स हैं उनको मैंने बिजली के साथ लगा दिया है ताकि फिजिकली हम बिजली देख सकें कि यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं सिस्टम में। अब इसकी मेन इलेक्ट्रिक को ऑन करते हैं,
और देखिए मैंने मेन लाइटिंग ऑन की तो यहाँ पे 228 वोल्ट 29 वोल्ट यहाँ पे इस वक्त आ रहे हैं सिस्टम में। और यहाँ पर देखें जी ये एलईडीज जो हैं ये भी ऑन हो गई हैं। तो ये देखें येलो ग्रीन रेड और रेड, दो रेड हैं और एक ग्रीन और येलो राइट यहाँ पे ऑन हुई है। तो इसका मतलब है कि ये पीसीबी ऑन हो चुका है प्रॉपरली। अब देखें इसने यहाँ पर एरर देना शुरू कर दिया है। अब ये एरर जो है वो क्यों आ रहा है, इसमें सिस्टम कंपनी ने ये रखा हुआ है कि जब तक इनडोर यूनिट आउटडोर को सिग्नल नहीं देगा तब तक इसकी जो स्विचिंग है वो नहीं होगी, ये सिस्टम जो है वो एरर ही शो करता रहेगा। तो इसके लिए इनडोर साथ में अटैच करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर अगले फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ मैंने इनडोर यूनिट को जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी हम दोबारा से इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की, ये सिस्टम ऑन हो गया है। अब ये देखें स्विचिंग की आवाज़ मुझे आई और ये दूसरी स्विचिंग की आवाज़ आ गई। तो दो स्विचिंग की आवाज़ मुझे आई है, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। अब ये देखें लाइटें भी जो है वो स्टेबल हो चुकी हैं, अभी तक इनमें एरर नहीं आया है। तो ये देखें ये आईपीएम है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे प्रोब को। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये देखें एसी है तो हम डीसी कर लेंगे इसको। तो ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे आएंगे तो ये 337 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये ओके है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये सिस्टम बंद हो गया दरअसल क्योंकि इसके साथ कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले सका, कंप्रेसर मैंने अभी अटैच नहीं किया है तो इसलिए दोबारा से हम इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करके तो इसके साथ हम अब कंप्रेसर को भी अटैच कर लेंगे। अब दोबारा से मैंने सिस्टम ऑन किया, अभी तक जो लाइट्स हैं वो स्टेबल हैं, इसका मतलब है कि स्विचिंग वगैरह जो हो चुकी थी वो पहले हो गई हुई है। इनडोर मोटर जो है वो इसकी काम कर रही है। अब थोड़ी देर वेट करेंगे कि ये कंप्रेसर को स्टार्टअप दे दे, जहाँ पे इनडोर जो है वो देखें यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसने स्विचिंग की है और ये देखें हमारा जो कंप्रेसर है उसने स्टार्टअप ले लिया है। देखें यहाँ पे ये मेरा तमाम सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे देखें ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ था और बंद हो गया। अब ये क्यों बंद हो गया चेक करते हैं, हो सकता है दोबारा थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ रहा है, यहाँ पे देखें एक दो फिर से मेरे ख्याल में स्टार्टअप लेगा। ये दो लाइट जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे क्योंकि ये एरर अगर खुद ख़त्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिस्प्ले पे भी कुछ आता है तो फिर भी हमें पता चल जाएगा। अब ये देखें दोबारा से रीसेट हो गया है और दोबारा से ये देखें कंप्रेसर स्टार्टअप ले रहा है। ये देखें अब ये स्टार्ट हो गया जी, इसने प्रॉपरली स्टार्ट कर लिया है। देखें IGBTs जो हैं वो तमाम ऑन हो गए हैं, कंप्रेसर की आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है। तो पहले स्टार्टअप में जो है इसने कुछ शायद चेकिंग की, अब दूसरे स्टार्टअप में इसने कंप्रेसर को प्रॉपरली ऑन कर दिया है। देखें बिल्कुल जी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है जी, और देखें तमाम IGBTs भी जो हैं वो प्रॉपर खुल रहे हैं। अब ये देखें इसकी जो LEDs हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल जी स्टेबल है इस वक्त कि प्रॉपर काम शुरू हो चुका है। तो ये जी हमने PCB जो है वो ठीक कर दिया है। तो आपने देखा कि इसमें क्या फॉल्ट था और हमने किस तरह से इस PCB को ठीक किया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।